students. So now let us start with your next poem. The name of the next poem is Elegy Written in Country Churchyard, and it is written by Thomas Gray. So just have a look at the introduction to the poem from your book only. So just have a look at the first, have a look at the picture shown here. So it is a country churchyard. सो कंट्री चर्चयार्ड का मतलब ही की है जिहड़ा कि पिंड दा तुसीं कह सकदे हो एक ग्रेवयार्ड है जिथे कि कब्रिस्तान है. सो इट इज़ अ कंट्री चर्चयार्ड. सो चर्चयार्ड भी की हुंदी है, चर्चयार्ड इज़ बेसिकली अ ग्रेवयार्ड ओनली दैट इज़ बिल्ट इन द प्रेमिसिस ऑफ अ चर्च. सो दैट इज़ अ चर्चयार्ड. सो इत्थे की है, इत्थे जिहड़ा हुण सो और एलिजी की है, एलिजी इज़ अ पोइम ऑफ ग्रीफ, इट इज़ अ पोइम ऑफ लमेंट. सो एक शोक दी जिहड़ी कविता हैगी है, सो इहनूं आपां की कहिंदे एलिजी. सो एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड. सो द पोइट इज सिटिंग इन अ कंट्री चर्च यार्ड. कंट्री की हुंदी अवे फ्रॉम द सिटीज़, पेंडू इलाका, खुला इलाका. सो उत्थे उत्थों दे चर्च यार्ड दे विच, सो एज़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर देर आर मैनी ग्रेव्स, कई कब्रां बनिया हुई हैं. सो इत्थे बैठ के जिहड़ा कवि है वो ये पोइम लिख रहा है. हुण इहनूं तुसीं देखो, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द इंट्रोडक्शन टू द पोइम. देखो इहनूं, सो ही वॉज बॉर्न इन 1716. पहलां तां पेज नंबर 14 कड्डो अपनी बुक का. सो यू मस्ट हैव योर बुक्स, बिल्कुल भी एक तां दे आर नॉट एट ऑल, योर टैक्सट बुक इज़ नॉट एट ऑल कॉस्टली, यू मस्ट हैव इट विद यू. एनी हाउ देखो इन हूँ कि थॉमस ग्रे वॉज बॉर्न इन 1716 एंड ही डाइड इन 1771. सो पेज नंबर 14 ऑफ योर टैक्सट बुक. देखो इन हूँ अगे, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड. सो लेट अस रीड द इंट्रोडक्शन टू द पोएम फ्रॉम द बुक ओनली. देखो इन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड 1751. सो ये पोएम किहड़े साल च लिखी गई, 1751, 1751 दे विच. इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंथोलोजाइज्ड पोएम्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज. सो इट इज़ वन ऑफ द दोज पोएम्स दैट अपीयर इन मैनी कलेक्शन ऑफ पोएम्स, मतलब कि कई जड़िया एंथोलॉजी की हुंदी, एंथोलॉजी इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स. सो ओदे विच ओदा हिस्सा बनी है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, मतलब इनू कई पोएट्री दे कलेक्शन दे विच इनू शामिल किया गया, पोएम्स दी कलेक्शन दे विच इनू शामिल किया गया है. सो इट मीनस इट इज़ अ वेरी पॉपुलर पोएम. इट इज़ अ रिफ्लैक्टिव पोएम वेयर ग्रे मेडिटेट्स ऑन द लाइफ ऑफ मैन इन रिलेशन टू हिज इनएविटेबल एंड. सो ये किदां दी पोएम है, इट इज़ अ रिफ्लैक्टिव पोएम, मेडिटेटिव पोएम, मतलब वो कि विचार कर रहा है, कुछ बैठ के सोच रहा है और ये भी जो कि बारे सोच रहे हैं, ऑन द लाइफ ऑफ मैन, कि वॉट इज़ द लाइफ ऑफ मैन, द एंड ऑफ विच इज डेथ, इट इज़ इनएविटेबल. इनएविटेबल का मतलब की है, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड. सो इट इज़ अ रिफ्लेक्टिव पोएम वेयर ग्रे मेडिटेट्स ऑन द लाइफ ऑफ मैन इन रिलेशन टू हिज इनएविटेबल एंड, के जिदी के मौत जिहड़ी है, जिदा के अंत जिहड़ा वह की है, मौत है. ग्रे सेलिब्रेट्स द वर्च्यूज ऑफ द कॉमन पीपल एंड इज़ ग्लैड दैट दे आर नॉट टच्ड बाय द वाइसेज ऑफ द ग्रेट, वेल्दी एंड एम्बिशियस हूम दे वुड हैव सरपास्ड इफ दे हैड सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़. सो जिहड़ा ये उन्हें बेसिकली द थ्रस्ट ऑफ द पोएम इज़ द वर्च्यूज ऑफ द कॉमन पीपल. एक तो आप डेथ की गल की है कि नैचुरली द बैकड्रॉप इज़ द डेथ होंगी, कि जिस तरह ये भी हूँ दिखाई हुई कबर, ये भी द जस्ट लुक एट द पिक्चर के दरखत हैगे है, वो नीचे की बनिया हुई हैं, ग्रेव्स आर देयर. सो ये तुसी की देखना है कि द बैकड्रॉप ऑफ द पोएम इज़ नो डाउट डेथ, बट हियर ही इज़ टॉकिंग अबाउट द कॉमन पीपल. सो हियर ही इज़ सेलिब्रेटिंग द वर्च्यूज ऑफ द कॉमन पीपल, क्लियर, कि जेडे आम लोग हैं उन्हां दियां जेडियां चंगियाईयां हैं उहदे बारे गल, मतलब जेडे पिंड दे लोग हुंदे हैं जिन्हां नूं के जेडे के हु कम फ्रॉम स्मॉल प्लेसिस,
और ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਲੀਅਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋ ਗ੍ਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਸ ਦ ਵਰਚੂਜ਼ ਆਫ ਦ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਗਲੈਡ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਹੈਪੀ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਟੱਚਡ ਬਾਏ ਦ ਵਾਈਸਿਸ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਵੈਲਦੀ ਐਂਡ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਕਨਫਾਈਨਡ ਟੂ ਸਮਾਲ ਪਲੇਸਿਸ ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਟੱਚਡ ਬਾਏ ਦ ਵਾਈਸਿਸ ਵਾਈਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਔਗੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਵੈਲਦੀ ਐਂਡ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗੇ ਆ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੂਮ ਦੇ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਸਰਪਾਸਡ ਇਫ ਦੇ ਹੈਡ ਸਿਮਿਲਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਨਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦੇ ਡੂ ਨੋਟ ਗੈਟ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਲੀਅਰ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਔਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦ ਪੋਇਮ ਇਜ਼ ਲੋਜੀਕਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਸ ਡਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਪੋਇਟਿਕ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪੋਇਮ ਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿਸ ਚੋਇਸ ਆਫ ਵਰਡਸ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਇਨ ਅ ਹਾਈਲੀ ਔਰਡਰਡ ਵਰਕ ਆਫ ਆਰਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੋਇਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਐਲੇਜੀ ਰਿਟਨ ਇਨ ਅ ਕੰਟਰੀ ਚਰਚ ਯਾਰਡ ਦੇਖੋ ਸੋ ਐਲੇਜੀ ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲ ਯੂ ਅਰਲੀਅਰ ਆਲਸੋ ਐਲੇਜੀ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਇਮ ਆਫ ਲਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦ ਕਰਫਿਊ ਟੋਲਸ ਦ ਨੈਲ ਆਫ ਪਾਰਟਿੰਗ ਡੇ ਸੋ ਦ ਕਰਫਿਊ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦ ਈਵਨਿੰਗ ਬੈਲ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰੰਗ ਇਨ ਦ ਵਿਲੇਜਿਸ ਕਲੀਅਰ ਔਰ ਇਹ ਬੈਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰੰਗ ਟੂ ਮਾਰਕ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਦ ਕਰਫਿਊ ਟੋਲਸ ਦ ਨੈਲ ਆਫ ਪਾਰਟਿੰਗ ਡੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਦ ਬੈਲ ਹੈਜ਼ ਮਾਰਕਡ ਦ ਐਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦ ਡੇ ਦ ਲੋਇੰਗ ਹਰਡ ਵਾਈਂਡ ਸਲੋਲੀ ਓਵਰ ਦ ਲੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਲੇਜਿਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਦੇ ਲੀਡ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਵਸ ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਬੈਲ ਵੱਜੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਈਵਨਿੰਗ ਬੈਲ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਓਪਨ ਗਰਾਊਂਡ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੈ ਉਹ ਮਿਮਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦ ਪਲਾਓ ਮੈਨ ਹੋਮਵਰਡ ਪਲੋਟਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰੀ ਵੇ ਸੋ ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਪਲਾਓ ਮੈਨ ਪਲਾਓ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਰਮਰ ਪਲਾਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੱਲ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਵਾਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਪਲੋਟਸ ਇਟਸ ਵੇਅਰੀ ਵੇ ਵੇਅਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਟਾਇਰਡ ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਇਰਡ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਹੋਮਵਰਡ ਦ ਪਲੋਮੈਨ ਹੋਮਵਰਡ ਪਲੋਟਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰੀ ਵੇ ਸੋ ਉਹ ਥੱਕਿਆ ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। सो इस तरह के नाल हुण सारी उत्थे जिथे कवि बैठा हैगा उत्थे हुण की हो रहा, उत्थे सारी हुण जिहड़ी रौनक है खत्म हो रही है। ठीक है, सो ही सिटिंग हीयर एंड जिहड़ी सड़क हैगी है उहदे उह हुण जिहड़ी भी छोटा जिहा पाथ बनिया होया, सो उह की हो रहा, उह हुण उहदे ते रौनक खत्म हो रही है क्योंकि जिहड़े पशु सीगे उह चर के वापस जा रहे हैं, जिहड़ा किसान है वह भी वापस चला गया है। सो हुण की है, हुण उत्थे कवि कल्ला रह गया उस रस्ते दे उपर और इट इज़ गैटिंग डार्क। सो नैक्सट पैरा हुण देखो, नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट एंड ऑल द एयर अ सॉलम स्टिलनेस होल्ड्स। सो हुण की हैगा, हुण जिहड़ा इट इज़ गैटिंग डार्क, नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट। नाउ ग्लिमरिंग का मतलब की होंगे कि जिहड़ी जिथे माड़ी मोटी जिहड़ी रोशनी हैगी है। सो हुण नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट। सो हुण की है, हुण जिहड़ी नेरा पै रहा है, सो जिहड़ी जिहड़ी लैंडस्केप हैगी है वह की हो रही है, हौली हौली वो होर नेरे च घिरदी जा रही है। सो It is becoming dimmer and dimmer. Now fades the glimmering landscape on the sight. मतलब हुन सारे पासे नेरा हो रहा है, so it is becoming dark now. And all the air a solemn stillness holds. और जड़ी हवा है, clear? जड़ा atmosphere है, it is becoming solemn and it is becoming still. So seriousness है, एक sadness हैगी है और stillness हैगी है, so it is becoming very the atmosphere is marked with solemnity, with seriousness and with stillness. ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। Save where the beetle wheels his droning flight and drowsy tinkling lull the distant folds. So ਸਿਰਫ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਲਾਇੰਗ ਇਨਸੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉੜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, सेव द मतलब कि एक्सेप्ट, सो इट इज़ कंप्लीट साइलेंस एंड कंप्लीट स्टिलनेस एवरीवेयर एक्सेप्ट वेयर द बीटल इज, वेयर द फ्लाइंग इंसेक्ट इज फ्लाइंग एंड मेकिंग अ साउंड एंड ड्राउजी टिंकलिंग लल द डिस्टेंट फोल्ड्स। और की आवाज़ आ रही है, टिंकलिंग ऑफ द बेल, टिंकलिंग ऑफ द बेल्स ऑफ द टिंकलिंग ऑफ द बेल्स टाइड टू द नेक्स ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, सो उन्होंने आवाज़ आ रही है सिर्फ कित कित, और ये भी तुम्हें देखना कि यह मार्क की करना है कि ड्राउजी टिंकलिंग्स, ड्राउजी का मतलब ही की है जिस तरह कोई नींद दे विच है। सो हुण जिहड़े एनिमल्स हैगे है दे आर ऑलसो रिटायरिंग फॉर द नाइट, क्लीयर, और जदों पै रहे हैगे है तो की है उन्हां दियां घंटियां वज रही हैं, बैल्स जिहड़ियां हैगियां, पर वह भी की है दे आर ऑलसो डिस्टेंट कि वह भी इत्थों दी दूर है। सो नैचुरली जिहड़ा ग्रेवयार्ड है, जिहड़ा चर्च यार्ड है, ओके, इट इज़ एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज। क्लीयर, सो हुण बस उत्थे चुप चाप हैगी है कि उस रस्ते तो जिन्हें भी लोग लंघने से वो लंघ चुके हैं, और हुण की है, हुण किते किते बीटल की आवाज़ आ रही है और किते किते एक दूरों की जड़े के घंटिया की आवाज़ आ रही, केड़ियां बैल्स जड़ियां के एनिमल्स दे गलियां दे विच उना दे गर्दना दे उपर बनिया हुई हैं, और वो हुण जदों व्हेन दे आर रिटायरिंग फॉर द नाइट then those bells are tinkling, drowsy ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਰਿਟਾਇਰਿੰਗ ਫੋਰ ਦ ਨਾਈਟ, ਔਰ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਰਚਯਾਰਡ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਲਟ ਔਨ ਦ ਆਊਟਸਕਰਟਸ ਆਫ ਦੈਟ ਵਿਲੇਜ ਔਰ ਹੈਮਲੇਟ। ਹੈਮਲੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਮਲੇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਮਾਲ ਵਿਲੇਜ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ, ਸੇਵ ਦੈਟ from yonder ivy mantled tower
द मोपिंग आउल डज टू द मून कंप्लेन. नाउ सेव द फेयर मतलब कि एक्सेप्ट. सो कि देयर इज साइलेंस एवरीवेयर एक्सेप्ट द साउंड दैट इज कमिंग फ्रॉम दैट टॉवर. योंडर मीन्स दैट. आईवी मेंटल्ड टॉवर का मतलब की है द टॉवर दैट इज कवर्ड विद आईवी. क्लियर. जिहड़ी के नैचुरली इट इज़ अ डिजर्टिड प्लेस. कोई मीनार हैगी है सो उहदे उपर की चढ़ी हुई है आईवी. एक वेल चढ़ी हुई है. क्लियर. सो सेव दैट फ्रॉम योंडर आईवी मेंटल्ड टॉवर. सो जिहड़ा टॉवर हैगा उहदे ते आईवी दी वेल चढ़ी हुई है. क्लियर. सो उत्थों की जिहड़ी आवाज़ आ रही है उही आ रही है. मोप द मोपिंग आउल डज टू द मून कंप्लेन. सो जिहड़ा आउल हैगा वो मून नूं शिकायत कर रहा हैगा. सो उहदी आवाज़ आ रही है बस. सो जिहड़ा आउल हैगा जिहड़ा उल्लू हैगा वह कित्थे बैठा होया वो टावर दे विच बैठा होया. और वो जिहड़ा टावर हैगा वह की है इट इज़ अ डिजर्टिड वन. उत्थे कोई भी नहीं रहिंदा या उत्थे कुछ भी कोई होर तरह की किसी तरह की गतिविधि नहीं है. और वो उपर आई वी जिहड़ी है वो वेल जिस तरह आप कह सकते हैं कि जिहड़ी आ जिथे ग्रीनरी जी हैगी है आई वी की वेल जिहड़ी है वो चढ़ी हुई है. सो सेव दैट फ्रॉम योंडर आई वी मेंटल टॉवर द मोपिंग आउल. मोपिंग का मतलब की हुंदा जिहड़ा कि इस वेले थोड़ा उदास जिहा लग रहा आउल. Does to the moon complain. So इदा लगता as if it is complaining to the moon. So इदा लगता है जिदा कि आउल किनू शिकायत कर रहा है मून नू. Of such as wandering near her secret bower molest her ancient solitary rain. So इदा लगता है कि जिदा मून की मून नू जिहड़ा उल्लू है कि कंप्लेन कर रहा है कि मेरी जिहड़ी मैं जिथे रहना है जिहड़ा मेरा bower हैगा जिथे कि मैं रहना हैगा. सो बॉवर इज़ बेसिकली इट इज़ अ शेड ओनली. इट इज़ अ कलैक्शन ऑफ ट्रीज द शेड ऑफ ट्रीज. सो की कह रहा है जिस तरह उल्लू के मेरी जिहड़ी हकूमत है. क्लियर. रेन का मतलब की है बादशाहत हकूमत. मोलेस का मतलब की है डिस्टर्ब. इतने डिस्टर्ब करना. क्लियर. सो मेरी पुरानी हकूमत को डिस्टर्ब किया जा रहा है. ਇਹ ਸੋ ਆਊਲ ਇੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਇਟ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਡਿਸਟਰਬਡ. ਬਨੀਥ ਦੋਜ਼ ਰਗਿਡ ਐਲਮਸ ਦੈਟ ਯੂ ਟਰੀਜ਼ ਸ਼ੇਡ ਵੇਅਰ ਹੀਵਸ ਅ ਟਰਫ ਇਨ ਮੈਨੀ ਅ ਮੋਲਡਰਿੰਗ ਹੀਪ ਈਚ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਨੈਰੋ ਸੈੱਲ ਫੋਰ ਐਵਰ ਲੇਟ ਦ ਰੂਟ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਆਫ ਦ ਹੈਮਲੇਟ ਸਲੀਪ. सो जेड़े सो उना उस जगह दे ऊपर जेड़े कि एल्म ट्रीज है फिर उना दे नीचे. सो बनीथ दोज एल्म रगेड एल्म्स. अगेन रगेड दा भी मतलब की है दे आर अनकैम्प्ड. फिर दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रिम्ड क्योंकि वो की है वो जगह इज़ जेड़ी हैगी इट इज़ नॉट it is a wild place basically. It is not properly you may say looked after. So utthe ki hai utthe beneath. Beneath means unna de niche. Beneath those rugged elms that yew trees shade. So utthe yew tree de shade de niche te elm trees de shade de niche chhaan de niche where heaves the turf in many a moldering heap. So utthe ki hai utthe kai kai jagah de upar टर्फ है. टर्फ की है बेसिकली ग्रास. हीप की है ढेर लगे हुए हैं. सो घा दे ढेर लगे हुए हैं जिन्हें दे कि जेडे के हुण इस वेले जेडे घा दे ढेर है वो की कर रहे हैं दे आर रोटिंग. वो रोट कर रहे हैं. वेयर हीप्स द टर्फ इन मैनी अ मोल्डरिंग हीप ईच इन हिज नैरो सैल फॉर एवर लेट द रूट फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप. सो इत्थे वो हर उत्थे जिथे कि ढेर लगे हुए है घा दे. सो ही इज़ रेफरिंग टू द ग्रेव्स ऑल्सो जिन्हें उपर घा उग गया हो. सो जो घा हैगा वो रॉट कर रहा है वो सड़ गल रहा हैगा. क्लियर. ईच इन इज़ नैरो सैल फॉर एवर लेट द रूट फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप. सो इत्थे हर
ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਵਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਂਡ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਲਾਈਕ ਨੈਰੋ ਸੈਲਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੈੱਲ ਇਜ਼ ਯੂ ਮੇ ਸੇ ਅ ਨੈਰੋ ਰੂਮ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੈੱਲਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਰੈਫਰਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਗ੍ਰੇਵਸ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਹਰ ਕੌਣ ਪਏ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਰੂਟ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਆਫ ਦ ਹੈਮਲੇਟ ਸਲੀਪ ਨਾ ਵੋਟ ਇਜ਼ ਅ ਹੈਮਲੇਟ ਹੈਮਲੇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਮੋਲ ਵਿਲੇਜ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨਾ ਵੋਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਰੂਟ ਰੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੂ ਵਰ ਨੋਟ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਹੂ ਵਰ ਨੋਟ ਰਿਫਾਈਨਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਪੀਪਲ ਦੇ ਵਰ ਨੋਟ ਵੈਰੀ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸੋ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਪੁਰਖੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਕਲੀਅਰ ਨਾਓ ਆਈ ਮੇਕ ਐਨ ਐਂਡ ਹੀਅਰ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਹੈਵ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਸਮਥਿੰਗ ਆਫ ਦ ਪੋਇਮ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਦਿਸ ਇਨ ਮਾਈ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ